I've fallen in love with I love. Del bole wow. अरे दरवाजा को लॉक करके क्यों गया? कहाँ गया होगा? यही पास में होना चाहिए। हमें निकालती हूँ। उसने तो चाबी यहाँ रखा नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। पीछे वाला दरवाजा खुला है कि नहीं, चलो चल के देखते। पहले तो भैया ने ऐसा कभी नहीं किया था। खिड़कियाँ भी सब खुला छोड़ के चला गया ये लड़का। माँ उसका फोन भी बंद आ रहा है। कोई भी काम सही से करता नहीं है। अरे अरे बाप रे, ये देखो इसने क्या किया। पता नहीं फांसी का फंदा लटका हुआ है। फंदा डाला हुआ है। अरे माँ, मैं अभी भैया को फोन करती हूँ। करो ना लगा। हाँ फोन दे, अभी करती हूँ। रुको, मैंने आपको पहले ही कहा था, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनती हैं। चलिए उस तरफ जाके देखते हैं। लो, उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तो फिर उसके दोस्त को लगा ना। क्या करता है ये? अरे हेलो भैया, एक मिनट। हाँ दे दे। हेलो, क्यों भाई, सोए नहीं क्या? इतनी सुबह सुबह आ गए। वीरा गायब हो गया है। हाँ भाई, वो मुझे भी 6 दिनों से नहीं मिला है। स्विच ऑफ है। माँ, वीरा उनसे मिलने के लिए भी नहीं आया। अनु का बाप 2 दिन पहले कॉलेज आकर उसे लेकर चला गया। इसलिए उन्होंने वीरा को भी किडनैप किया है क्या? ए, वो तो उन्हें 6 महीने से मिला भी नहीं है, फिर कैसे हो गया? ना दिमाग काम करता है ना पैर काम करता है, काम अखा टेंशन में डाल रहा है। क्या सोचा तूने? लंगड़ा हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्या? क्या देश के लिए अपना एक पैर खो दिया है। कुछ तो बात जरूर है, तू ही उसके साथ ज्यादा घूमता था, इसलिए तू ही जानता है वो कहाँ गया। देख सच सच बता दे। वो कहाँ गया है उसने मुझे नहीं बताया यार। अरे यार, अब तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो? लड़ाई करने से अच्छा है तुम दोनों वीरा के बारे में किसी और से पूछताछ करो। शक्ति मास्टर आप? नहीं, मैं शक्ति नहीं हूँ, वो कंपटीशन के लिए थोड़ा बाहर गया हुआ है। आप वीरा को जानते हो क्या? हाँ वीरा को जानता हूँ, लेकिन मैंने उसे बहुत दिनों से देखा नहीं है। अरे वीरा उस दिन जिम में तो आया था और ट्रेनर से उस दिन बात भी कर रहा था। उसके बाद मुझे नहीं मालूम। अगर वो तुम्हें मिलता तो मुझे मिलने के लिए बोलना, बोलना जिम में आकर मिले। मैंने गिटार खरीद ली है और सीखने की कोशिश भी कर रहा हूँ। सच बोल रहा है क्या तू? मैंने 4,000 की खरीदी है। बॉडी बनाने से काम नहीं चलता, गिटार सीख कर लड़कियों को मैं इंप्रेस कर सकता हूँ, समझ गया ना? क्या पता कहाँ गया। अबे तुझको बताना था, तेरी बहन भी साथ में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या ही ना, तो फिर देख लेना। अच्छा तो तुम सिगरेट पी रहे हो? मैं ऐसा कभी नहीं करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अनु दीदी, आज मैं अपने भैया के साथ जाऊंगी। ऐसा क्यों? अबे
अगर तेरी बहन उसको दीदी बुलाएगी तो तेरा उससे क्या रिलेशन हुआ? नहीं चुप कर, ये कोई बड़ी परेशानी नहीं है। हाँ परेशानी है, कल्चरल एथिक्स। भैया चलो। तुम जब गाँव की तरफ आ रहे थे तो तुम्हारे साथ कोई था? कौन? शक्ति भाई की बात कर रही हो क्या? हाँ। तुम्हें अभी तक याद है? हाँ? वो यही एक जिम में ट्रेनर है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम उससे मिलने आओगी। मुझे दूसरी लड़कियों जैसा समझा था क्या? मुझ में कोई ईगो नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी लड़कियां अपनी जिंदगी में एक ना एक बार ये डायलॉग जरूर बोलती हैं, और बेचारे लड़के मान भी जाते हैं। बहुत लोग पढ़ाई के लिए अपना पैशन छोड़ देते हैं, पर तुमने तो कॉलेज ज्वाइन करने के बाद भी म्यूजिक नहीं छोड़ा। ये मेरा लास्ट प्रोग्राम है, कॉलेज भी तो इंडोर है ना, और उसके बाद मैं म्यूजिक को अपना प्रोफेशन बनाऊं या नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तो फिर क्या सोचा है? कुछ दिनों तक किसी दूसरी कंपनी में काम करूंगा। दूसरों के नीचे मुझे काम करने की आदत नहीं है, देखता हूँ क्या होता है। तुम जो भी करोगे आई एम श्योर अच्छा करोगे। तुम नित्या के टच में नहीं हो क्या? स्कूल खत्म होने के बाद तो उससे कोई कॉन्टेक्ट रहा ही नहीं, पर नित्या बहुत अच्छी लड़की है, बहुत टैलेंटेड है, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। भैया मेरी बात सुनो, वो अच्छी लड़की नहीं है और उसकी पूरी फैमिली ना पागल है, तो तुम सांप के बिल में हाथ मत डालो। मेरे पापा बिजनेस की वजह से बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। उसकी ना एक बहन थी, पता है वो ना किसी लड़के से प्यार करती थी, और उसके पापा ने क्या किया पता है आपको? वो तुम्हें कहाँ मिला? वो हमें ऊटी में मिला भाई, बाहर आया था हमने उसे पकड़ लिया और काम हो गया। मेरी लड़की उसके साथ है क्या? नहीं भाई। एक काम करो, उस लड़के को ऊटी से मेरे पास ले आओ। ठीक है भाई, लेकर आऊंगा। ए भाई उसे अच्छी तरह समझाना, समझ गया ना? मेरी दीदी का प्यार तो सच्चा था, पर वो लड़का ही दीदी को धोखा देकर गायब हो गया। तुम घबराओ मत बेटी, तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता लेकर आऊंगा, रो मत। ए, क्या हुआ पूछो इससे। मैंने कई बार पूछा पर कुछ भी बता नहीं। रो मत, चुप हो जाओ। पूछो ना उसको। मैं कोशिश करती हूँ। ठीक है। मत रो। मैं जो समझा रही हूँ तुम समझ जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। क्या वो तुमसे रोज बात करती है? तुम फेसबुक पे हो क्या? बहुत अच्छा। तुम व्हाट्सएप यूज करती हो क्या? हाँ। ए, वो स्कूल में भी शिवा को घूरते रहती थी, पता है तुम्हें? समझो मेरी बात। लड़कियां ही लड़कियों की दुश्मन होती हैं। हम चाहे उन्हें कितना भी प्यार करें, वो हमें झूठा ही समझती हैं। हाँ हाँ, बढ़ाया प्यार करने वाला। भैया के बारे में कुछ पता चला? अनु का बाप उसे लेकर कॉलेज से चला गया। हमने उसे सभी जगहों पर ढूंढा लेकिन वो हमें नहीं मिला। शक्ति भैया से कुछ बात हुई? शक्ति तो लड़कों को कंपटीशन के लिए बाहर लेकर गया है, और उसके जाने से पहले वीरा उसके साथ था, वो बहुत देर से बातें कर रहे थे। फोन भी तो ऑफ है उसका। उसका फोन मेरे पास है। ये तो उसका फोन है। फोन स्विच ऑफ हो गया था इसलिए मैंने चार्ज पे लगाया था, इसमें कोई मैसेज या कॉल भी नहीं आया, पर मेरे ऑफिस की जो सोना है ना उसके व्हाट्सएप मैसेजेस, बहुत सारे मिस कॉल्स और वॉइस कॉल्स भी आए हैं। वो तो तुम्हारे भैया को पहचानती है। वीरा नहीं आया अभी तक? मुझे नहीं पता मैडम, वो तो आज आया ही नहीं। हो सकता है उसे कुछ पता हो भैया के बारे में, आप उससे एक बार पूछ के तो देखिए। अरे तुम एक काम करो ना, तुम ही उसे पूछ कर देखो ना। सोना, वीरा की बहन आई नहीं, मुझे तुमसे कुछ काम है। हाँ मैं आती हूँ। फाइनली मेरा काम हो गया। हाय। मेरी बात ध्यान से सुनो, इस बारे में अपने ऑफिस में किसी को मत बताना। मेरे भैया वीरा गायब हैं
और उनका फोन भी नहीं लग रहा है। मैंने चेक किया तो सिर्फ तुम्हारे कॉल्स और मैसेज हैं उनके फोन में। ओ नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ उसे प्रोफेशनल मैटर्स के लिए ही कॉल कर रही थी, मेरा यकीन करो। प्लीज, मैं यहाँ प्रोफेशनल या पर्सनल मैटर पे बात करने नहीं आई हूँ। आखिरी बार वो तुमसे कहाँ मिले थे? मैं उसे 5 दिन पहले मिली थी। मैं और वीरा हमारे कंपनी के डांस टीम के रिहर्सल के लिए मिले थे, उसके बाद तो मैं उसे मिली ही नहीं। ऑल द बेस्ट। ओके सर, मैं चलता हूँ। तुम इवेंट में नहीं आने वाले हो क्या? नहीं नहीं, मुझे कुछ काम है। सुबह मैं आते वक्त अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करके उसकी बाइक पे आ गया था। अच्छा हाँ, तुम्हारे पास कार है ना, प्लीज मुझे ड्रॉप कर दोगी क्या? वो तो कर दूंगी, लेकिन अगर तुम इवेंट में नहीं है तो हम सब तुम्हें मिस करेंगे। हाँ मैं अपने काम के लिए लेट हो रहा हूँ, प्लीज चलो ना, ड्रॉप कर दो मुझे। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो, वैसे मैं बहुत हेल्पफुल हूँ। आई एम अ गुड लिसनर यू सी। और मेरे सारे फ्रेंड्स ना मुझसे सब कुछ शेयर करते हैं और मैं किसी को नहीं बताती। मेरी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो प्लीज तुम अपना काम करो। hey, उधर उधर लेफ्ट में रुकना। तुम ड्रिंक करती हो क्या? What? इतना शौक क्यों हो रही हो? कभी कभी पार्टी में थोड़ा सा वोडका पी लेती हूँ। 3 बियर और तुम्हारे लिए हाफ वोडका चलेगा? Excuse me? वाइन शॉप से? फाइन। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे कि तुमसे पार्टी और पब में ही ड्रिंक लेती हो, उसके बाद तुमने बाहर खरीद कर कभी पिया ही नहीं। तुम दिखा कैसे रही हो यार? लेकर आती हूँ, ठीक है? तुम भी ना, पर खाने में से वेजिटेरियन होगा। स्पेशल है क्या? हाँ। ओके, तुम्हें कैसे पता था मुझे फ्रूट्स पसंद है? मेरी सिस्टर तुम्हारी दोस्त है और वो हमेशा ये कहती रहती थी कि तुम्हें फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा वैलेंटाइन डे पे क्या दूँ, फ्रूट्स से अच्छा कोई गिफ्ट समझ में ही नहीं आया। ओह, पर वैलेंटाइन डे पर फूल और फ्रूट्स। फ्रेंड्स को ये वैलेंटाइन डे के दिन ये सब देना गलत है क्या? नहीं, पर तुम्हें कैसे पता कि तुम मेरे लिए सिर्फ फ्रेंड हो या उससे ज्यादा? एक मिनट में आया। मैंने तो ऐसा सुना ही था कि जब किसी की इंसल्ट होती है तो उसे ठंड में पसीना आता है और वॉशरूम जाना होता है, बट 22 साल के करियर में मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ। ए, क्या देख रहे हैं? कमाल है। शिवा कौन है? नित्या ने बताया। हाँ, वो मेरा फ्रेंड था। एक्चुअली थोड़ा फ्रेंड से ज्यादा और लवर से थोड़ा कम। ओके, मैं उसे लाइक करती थी पर बात आगे नहीं बढ़ी। मैं समझ रही हूँ तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं उसके साथ भी फ्रेंडली थी और तुम्हारे साथ भी। उसकी और मेरी केमिस्ट्री कुछ अलग ही थी। बचिनो, यू आर अ स्पेशल फ्रेंड टू, एंड
We've never been physical at all. नहीं नहीं, मैंने इतने डीप में नहीं सोचा। I know, वीरा, तुमने यही सोचा होगा कि मैंने सारी स्पेशल फीलिंग्स उसके साथ शेयर कर ली हैं। नहीं, मुझे गलत मत समझो। जो लड़कियां ओपनली टॉक करती हैं, उनसे बात करने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन ये एक बीमारी की तरह होती है, एक बार लग जाए तो जल्दी नहीं छूटती। मैं यहाँ पर पार्क कर दूँ क्या? क्यों, अपने घर जाओ। ये लो, घर जाके पी लेना। ठीक है, समझ गई मैं। जब तक मेरे भैया आ नहीं जाते, तुम ऑफिस छोड़ के मत जाना। नित्या, अरे यार, तू कितनी देर से ऐसा ही करता रहेगा? वीरा, ट्यूनिंग बंद करो ना। आज वैलेंटाइन डे है, मुझे मेरी लवर से मिलना है यार। अबे तो मुझे भी अपनी लवर से मिलना है। ब्रो, आज ये गाना ही मेरा गिफ्ट है। गाना सुरीला होना चाहिए और अच्छा भी लगना चाहिए, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो तुम सॉन्ग गिफ्ट करोगे? चलो चलो, रिकॉर्ड करते हैं।